Hello friends, welcome to Sri's Corner. Today we are going to make a kheer or payasam. It's a very healthy and very tasty dish made from rice and sabudana. So let's see how it makes. तो इसके लिए मैंने पहले चावल थोड़ा भिगा के रखा, थोड़ी देर मतलब आधा घंटे भिगाया, थोड़ा एक मुट्ठी चावल ही लिया और एक मुट्ठी उसको मैंने पीस लिया ग्राइंडर में, और एक मुट्ठी छोटी सी एक मुट्ठी साबुदाना उसको भी मैंने भिगा दिया, धो के थोड़ी सी रख ली और ऐसे फिर वो चावल को मैंने ग्राइंड किया। उसके बाद थोड़ी सी पानी और दूध मिला के मैंने उसको गर्म किया और उसमें उबलने के बाद देखो वो पैन में रखे वो उबल गए, उसमें मैंने चावल डाले और अच्छे से सॉट किए, और उसके बाद थोड़ी सॉट करने के बाद मैं अभी साबुदाना भी इसी में ही डालूँगी तो चिपकेंगे भी नहीं, ये अच्छे से पक जाएंगे और थोड़ी अच्छी सी बबल्स आने तक बंद करके उसको थोड़ी सी उबलने देना है। बड़े है कि एक बार ऊपर उठ के बाहर निकलने का चांसेस है, तो आपको एक बार बबल्स आके उबलने के बाद उसको सिम में करके ढक के रखना है तो वो अच्छे से पकेंगे, और ये जो दूध है ना ये भी सूख के थोड़ा कम हो जाएंगे। और इस टाइम पे जैसे वो एक साइड में हो रहे हैं पक रहे हैं, तो इस टाइम पे हमको थोड़ा सा बादाम पिस्ता और मखाना सीड्स भी लिया है मैंने, वो अभी दिखा दूँगी। और बादाम को मैंने ग्रेट करके डालती हूँ, देखो वो खीर थोड़ी सी सूख गई, अब इसमें और एक ग्लास और 1.5 मोर मिल्क हम डाल सकते हैं इसमें, और अच्छे से फिर से उसको चम्मच चला के सिम में रख के थोड़ी सी बंद भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से पके। और इस टाइम में हम अच्छे से ग्रेट कर दिया है, और बादाम को ग्रेट इसलिए कर दिया क्योंकि बच्चे है ना बादाम ऐसे डालने के बाद ना कभी निकाल के है ना बाहर निकाल देते हैं, वो खाते नहीं, तो ऐसे ग्रेट मिक्स करके डालेंगे ना हो पेट में जाके, पेट को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा स्टमक को, और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, और वो बादाम अच्छी तरह से हमारी बॉडी में जो भी पोषण उसमें है वो हमारी बॉडी को मिल जाता है, इसलिए इसको अच्छे से ग्रेट करके डालो। और गार्निश करके दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी बचा हुआ रखा है और शक्कर दिया लिया है, और थोड़ी सी इलायची और मखाना सीड्स मैंने बताया था, और पिस्ता भी मैं थोड़ी सी ग्रेट किया और थोड़ी सी मैं इसमें गार्निशिंग के लिए दिखा दूंगी। और सूख गया था, हमने पहले का दूध डाला फिर दूध डाला और सूख गया, फिर और एक गिलास और चम्मच चला के रख लीजिए दूध डाल के। अभी हमको एक एक करके अपने इंग्रेडिएंट्स डालना है, शुगर और इलायची डाला, आप चाहें तो शुगर पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे भी गर्म है वो अच्छे से मिलेंगे अच्छे से, और इलायची भी मैं ऐसे ही कूट के डालती हूँ, आप चाहें तो शुगर के साथ पीस के भी डाल सकते हैं। उसको एक्चुअली इलायची ना खुशबू के लिए डालते हैं, तो ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाने से अच्छा है कि हम या मुंह में आने से अच्छा है कि हम थोड़ा उसका खुशबू का चीज़ ना खुशबू ही यूज़ करो। और बादाम को भी मैंने ग्रेट किया और उसमें डालने से ऐसे दिखते हैं, और ये बहुत स्वादिष्ट बन जाएंगी क्योंकि हमने बादाम को और पीस के डाला है, और सब डाल के तैयार हुआ है। और मखाना सीड्स डालेंगे और एक पिंच साल्ट डाल के और अच्छे से करके रखेंगे। अब इसमें हम मखाना सीड्स डालेंगे लास्ट में। तो हमारे खीर बन के तैयार हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि संडे सैटरडे को थोड़ा सा एक साइड डिश में खीर भी बनेगा तो खुशी भी डबल हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छा भी लगेंगे, और ज़रूर बना के अपने फैमिली को और ख़ुद भी खा लीजिएगा, खीर से खुशियाँ भी बढ़ जाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी सून नेक्स्ट वीडियो, बाय।